हेलो एवरीवन, क्लास 10 साइंस सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 15 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, आ जाओ आराम से देखते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्या आइडेंटिफाई करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इनकरेक्ट के ऊपर तुम पहले सबसे पहले अंडरलाइन कर लोगे, ताकि तुम्हें ऐसा ना हो कि तुम इनकरेक्ट को करेक्ट देख लिए, पहला ऑप्शन तुम्हें करेक्ट दिखेगा, तुम टिक करके चले जाओगे। ऐसा नहीं करना है, तुम्हें देखना है करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द एनर्जी अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर इज मैक्सिमम बिकॉज, यानी कि जो एनर्जी अवेलेबल होता है प्रोड्यूसर पे वो मैक्सिमम होता है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो आ जाओ इसके पीछे का रीजन समझते हैं हम लोग। प्रोड्यूसर किसको बोलते हैं पहले वो समझते हैं। प्रोड्यूसर वो होते हैं जो खाना को एक्चुअल में, यानी कि फूड्स जो है वो खुद से प्रिपेयर करता है, जैसे प्लांट्स, उसको हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं। तो वहां पर ना तुम्हारा 10% रूल जो है वो फॉलो होता है। उन सब को बात करते हैं डिटेल से, सबसे पहले समझोगे कि क्या होता है एक फूड चेन। जैसे एक हमारा सन है ना, सन के लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, फिर प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं डियर, और डियर को अगेन कंज्यूम कर लेता है सपोज लायन, है ना। तो ये एक टाइप का एक एग्जांपल है फूड चेन का। तो उसमें तुम्हें बस एक चीज याद रखना है कि अगर सन से 10,000 जूल एनर्जी आ रहा है, सन से कितना आ रहा है, 10,000 जूल एनर्जी आ रहा है, तो प्लांट्स में केवल 1% ही ट्रांसफर होता है। प्लांट्स में कितना होता है, 1% ही ट्रांसफर होता है, यानी कि जो प्रोड्यूसर है जो खाना बना रहा है वो भी जो एनर्जी गेन कर रहा है सन से, वो भी बस 1% ही गेन कर रहा है। यानी कि अगर सन के पास है 10,000 जूल एनर्जी तो प्लांट इसका 1% गेन करेगा, और 10,000 का 1% होता है 100 जूल। कितना होता है बताओ, 100 जूल ये होता है। तो प्लांट के पास कितना आएगा, बस 100 जूल आएगा। फिर उसके बाद जब भी प्रोड्यूसर कंज्यूमर है ना के बारे में बात आता है, तो वैसे केसेस में 10% लॉ फॉलो होता है। जैसे प्लांट को तुम बोल सकते हो क्या, प्रोड्यूसर। क्या बोल सकते हो, प्लांट को तुम बोलोगे प्रोड्यूसर। उसी टाइप से प्लांट को सबसे पहले किसने कंज्यूम किया, डियर ने, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, है ना। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। 1°C मतलब क्या है, 1 डिग्री का मतलब होता है प्राइमरी, सी का मतलब हो गया कंज्यूमर। उसी टाइप से फिर से डियर को किसने कंज्यूम किया, तो लायन ने कंज्यूम किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी, सी मतलब कंज्यूमर, तो ये हो गया 2°C यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। जब सन से लाइट आता है तो केवल और केवल टोटल एनर्जी का 1% जो है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि अगर वहां से 10,000 जूल आ रहा था तो 1% प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, यानी कि 100 जूल उसने एब्जॉर्ब किया। सेम केस पे अगर हम लोग देखें तो प्लांट के पास 100 जूल एनर्जी था, तो जो पहला उसका कंज्यूमर होगा वो यहां पर केवल और केवल 10% ही एनर्जी गेन करेगा, यानी कि इसके पास टोटल कितना आएगा, तो इसके पास आएगा 10 जूल एनर्जी। फिर से जब डियर को कंज्यूम करेगा लायन, तो यहां पर भी 10% लॉ जो है वो फॉलो होगा, और इसके पास केवल और केवल 10% यानी कि 1 जूल एनर्जी जो है वो बस तुम्हें देखने को मिलेगा। इसीलिए जितना ज्यादा ट्रॉफिक लेवल जो है वो आपका बढ़ता जाता है, जितना ज्यादा फूड चेन जो है वो आपका बढ़ता जाता है, वैसे केसेस में जो एनर्जी होता है वो बहुत ही ज्यादा मिनिमम होता चला जाता है, ठीक है। ये बातें तो तुम्हारा बहुत अच्छे से तरीके से अभी तक तो क्लियर हुआ होगा, बस याद रखना इसी के बेसिस पे अभी हम लोग क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। आज ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। इट इज द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल विच एब्जॉर्ब 1% ऑफ द लाइट एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। सोर्स यानी कि सन के बारे में बात कर रहा है, कि जो हमारा प्रोड्यूसर होता है, यानी कि प्लांट्स के बारे में यहां पर बात चल रहा है। प्लांट्स जो होता है केवल और केवल 1% लाइट एनर्जी का ही एब्जॉर्ब करता है जो उसको सोर्स के थ्रू मिल रहा है। तो ये बात तो एकदम 100% हमारा सही है। क्या है, 100% हमारा सही है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा सही हो गया, बट हमें इनकरेक्ट बताना है, तो ये ऑप्शन को टिक मत करना तुम, ठीक है। ठीक है सर, बी में आ जाओ। इट यूटिलाइज द मोस्ट ऑफ द केमिकल एनर्जी ऑफ इट्स ऑन रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, है ना, और मूवमेंट। तो तुम देख रहे हो कि केवल 10% वो क्या कर रहा है, दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है, तो बाकी 90% किसके लिए यूज करेगा, रेस्पिरेशन के लिए, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, मूवमेंट के लिए। तो ये बात भी एकदम तुम्हारा सही है, बट हमें बताना है इनकरेक्ट कि कौन सा बात गलत है। सी में दिखा है कि इट यूटिलाइज 10% ऑफ द लाइट एनर्जी
एंड ट्रांसफर टू द रेस्ट ऑफ द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। देखो कितना गलत बात बोल रहा है इसने, है ना, हमें फंसाने का ट्राई किया है, जस्ट उल्टा बोल दिया इसने। उल्टा क्या बोला है कि इसने बोला है कि 10% वो खुद यूज करता है और 90% दूसरे को दे देता है। नहीं, ऐसा नहीं होता, 90% वो खुद यूज करता है, 10% दूसरे को देता है। बट ये जो है वो जस्ट उसका अपोजिट बोल रहा है। इसका मतलब हो गया कि ऑप्शन नंबर सी जो हो गया वो आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। डी में देखते हैं, इट ट्रांसफर ऑनली 10% ऑफ द लाइट एनर्जी टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, यानी कि लाइट एनर्जी से जितना उसने एनर्जी गेन किया है वो केवल 10% उसका जो है वो किसी और को देता है। तो बात तो एकदम इसने भी सही कहा है, लेकिन हमें इनकरेक्ट बताना था जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 15 भी तुम्हें एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 16 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लेना।